और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के कैंप में आतंकी हमला हुआ है जिसमें एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है। देर रात आतंकियों ने 41वीं राष्ट्रीय राइफल्स कैंप के हेडक्वार्टर पर हमला किया। करीब 10 मिनट तक दोनों ओर से फायरिंग हुई जिसमें 21 जम्मू कश्मीर राइफल के एक जवान भी घायल होने की उसकी खबर है, जिन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है इलाके में, आपको बता दें सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, पूरी खबर बताएं। श्वेता, रात के बीच ये आतंकी हमला सेना के शिविर पे हुआ है। ये हेडक्वार्टर है, जैसे आपने कहा, 41 राष्ट्रीय राइफल्स का, जो कलारूस जो एक जंगल से घेरा इलाका है, वहां पर ये हेडक्वार्टर राष्ट्रीय राइफल्स का है। और साथ ही साथ उसी परिसर में जो है जैकरिफ, जो 21 जैकरिफ है, उसके जवान भी हैं और दूसरे यूनिट्स के भी जवान वहां पर तैनात है। वहीं पर रात के बीच ये अंधाधुन जो है फायरिंग इस सेना के कैंप से हुई जिसमें एक जवान घायल बताया जा रहा है। कि जैसे आपने कहा, 10 मिनट करीब ये अंधाधुंध गोलीबारी जो है सेना के कैंप से हुई और उसके बाद फिर उसकी जवाबी कार्रवाई भी सेना ने जो वहां पर थी मौजूद उन्होंने की। और उसके बाद एक बड़ा अभियान जो है सेना ने इस पूरे इलाके में शुरू किया है जिसमें 41 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ साथ जो स्पेशल पैरा ग्रुप्स होते हैं उनको भी इलाके में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पाक ने फिर किया है सीज फायर का उल्लंघन और बताया जा रहा है कि पुंछ के मेरठ सेक्टर में, यहां पर पुंछ सेक्टर में बाकी बताया जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। अश्विनी हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही अपडेट। जी श्वेता, पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड शैली हुई आज तकरीबन 5:15 बजे सुबह और पाकिस्तान की तरफ से दो मॉर्टर शेल्स रह के मेंढर इलाके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है वहां पर एक घर के ऊपर जो शेल गिरा है और एक महिला की मृत्यु ऑन स्पॉट हो गई है और उसको वहां से हॉस्पिटल ले गया, मगर की उससे पहले ही वो मर चुकी थी और अनप्रोवोक्ड हुई है। उसके बाद कोई भी पाकिस्तान की तरफ से शेल नहीं मारा गया, बट यहाँ से पूरा जवाब दिया गया इमीडिएटली। और इस तरह की खबर है कि पाकिस्तान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो आतंकवादियों को इस तरफ देने की कोशिश कर रहा है और ये एक अनप्रोवोक सी फायरिंग हुई है। कुछ समय से लाइन ऑफ कंट्रोल शांत थी मगर आज सुबह ये पाकिस्तान। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।